हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तान फिर रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहें, आबाद रहें। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द मिल सके। तो मेरा नाम है अफान, आज बहुत कमाल की वीडियो लेके आज हम जानेंगे कि इंडिया के स्टूडेंट्स जो है वो पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। तो बिना किस तरीके काउंट डाउन करते हैं, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। हमने उनको अपना देश दे दिया है, हमने उनको दे दिया कि भैया आप जाइए अपना एक मुल्क बनाइए, वहाँ रहिए शांति से, हमने कोई मतलब नहीं आपसे। अगर उनको साह है लड़ने की तो हम भी किसी से कम नहीं है, बता सकते हैं उन्हें भी हम भी किस में कितने पानी में। उन लोगों के पास इतनी दम तक नहीं है कि वो बॉर्डर से अपने मरे हुए सिटीजन ले जा सके। उन लोगों को हिंदुस्तान चलिए कृपा देता है, आइए आप अपने मरे हुए कीड़े मकोड़े ले जाइए। उन लोगों का जो कंट्री है वो हेट्रेड पे हुआ है कि हमारा एक कम्युनिटी एक दूसरी कम्युनिटी नहीं रह सकती। झंडा सीधा लहरा नहीं पाते लेकिन मांगते कश्मीर है, कश्मीर चाहिए, क्योंकि जो हमारी हेट्रेड है वो बस एक दुश्मनी को बढ़ा रही है, और दुश्मनी से अंतिम में लास्ट में केवल वॉर होती है। और यही सोचना चाहिए, हम ना पाकिस्तानी है ना हिंदुस्तानी, हम विश्व के एक ही नागरिक है। जो टेररिज्म है पाकिस्तान से, पाकिस्तान से ही उठ के आता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मेरा नाम अनुज धीमान, आप देख रहे हैं नेशन टॉक। आज हम भारत के जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनसे पूछने वाले हैं कि पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे हमारी आपके मुलाकात जल्दी जल्दी होती रहे। अब हम लोग चलते हैं स्टूडेंट्स के पास में और बात करते हैं उनसे। क्या नाम है? आयुष विश्वकर्मा। क्या पढ़ाई कर रहे हो यहाँ? बीबीए फर्स्ट ईयर है। अमन, बीबीए फर्स्ट ईयर। अच्छा, आप ये बताइए, पाकिस्तान का नाम सुनते हैं, हमारा पड़ोसी देश है, हमसे ही अलग हुआ है, तो आपके मन में दिमाग में क्या थॉट आता है? देखिए, पाकिस्तान तो सामने हो या ग्राउंड के बाहर हो, वो हर जगह लड़ाई खोजता है, वो भारत में से आगे जाने नहीं देता है, चाहे वो ग्राउंड की बात हो कहीं पे हो। और भारत मैच जीता है तो लगेंगे सब टीवी फोड़ने या उपद्रव मचाएंगे, और वो सोचता है कभी जैसे भारत जो है हमारे से आगे ना निकले। लेकिन वो उन लोग में जो है तो ऑलरेडी बहुत आगे है, वो पाकिस्तान सोचता है कि हम उनसे जरूर आगे निकले। और वो देखिए भैया, पाकिस्तान तो एक बहुत छोटा सा कंट्री है, आपको ये सबको पता है। वो ये हमारी मेंटेलिटी पे डिपेंड करता है, वो हमारा कॉम्पिटिटर नहीं, हमारा कॉम्पिटिटर तो अमेरिका चाइना जैसे कंट्री है। पाकिस्तान तो बहुत छोटा सा, यूपी के अगर यूपी से कंपेयर करें तब भी वो छोटा है। तो हम अपना कॉम्पिटिटर तो उसे बना ही नहीं रहे, हमारा कॉम्पिटिटर तो अमेरिका चाइना जापान यार, वो उसकी तो उसकी हम उसको सोचेंगे या मैं अपनी थॉट को लेकर सोचूंगा? आप बताए। वो कॉम्पिटिटर नहीं है, बस जेलसी रखता है, जेलसी रखता है और कुछ नहीं है। इंडिया के आगे स्टैंड कुछ नहीं करता है, बस बात बिल्कुल 100% राइट है भाई, जेलसी है उससे ज्यादा कुछ नहीं, बस। अच्छा, अरे सॉल्यूशन है, जब पड़ोसी देश है तो उसको एक साथ रहने चाहिए, मेंटालिटी एक ना, तो वहाँ की जनता थोड़ी ये सोचती है, वहाँ जो टेररिज्म है वो ज्यादा करते हैं ना, लोग सोचते वैसे पाकिस्तानी नहीं सोचते। अभी क्या है, अभी मैं भी पाकिस्तान के सिटीजन का रिव्यू मैं भी सुन रहा हूँ, ठीक है, एज इट इज जो हमारी मेंटेलिटी है सेम मेंटेलिटी उनका भी है, वो भी यही चाहते हैं कि हमारा और इंडिया का रिलेशन एक अच्छा बना रहे, जो बॉन्डिंग पहले थी वही बॉन्डिंग अभी रहे। लेकिन ये क्या है, अभी इंडिया में कुछ ऐसे मीडिया हैं वो और पाकिस्तान में कुछ है, ये मतलब मीडिया सबसे जो मेजर रोल प्ले करते हैं ना, ये जो हरामी पंथिया लड़ाई वगैरह जो भी अगर मिसअंडरस्टैंडिंग जो क्रिएट कर रहे हैं ये मीडिया वाले ही के थ्रू हो रहा है, और जो पॉलिटिशियन है उनका भी बहुत बड़ा रोल है इसमें। अदरवाइज जो सिटीजन है वहाँ पे, इंडियन सिटीजन भी और पाकिस्तानी सिटीजन भी, दोनों लोग यही चाहते हैं कि हम लोग एक साथ रहें, जैसे पहले रहते थे एज इट इज, अब हम लोग उसी तरह रहें। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जैसे कि हम लोग सुनते आए हैं कि इतनी बार लड़ाई हो चुकी है भारत और पाकिस्तान की, दोनों देशों का नुकसान होता है, तो फ्यूचर में लड़ाई छोड़ के बैठ के बात कर लेनी चाहिए या ये लड़ाई हमेशा चलती रहनी चाहिए? बैठ के तो बात कर लेना चाहिए, तो देखिए भैया बैठ के बात करना चाहिए है ना, लेकिन जो टेररिज्म है ना वो कभी बैठ के फरियाने से बात करने से नहीं खत्म होने वाला, वहाँ की जब जनता चाहेगी पाकिस्तान की तभी टेररिज्म खत्म होगा, और वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो चाहेगी तो, क्योंकि गवर्नमेंट पाल के रखती है। क्या सिंपल सी बात है, शांति से बढ़िया उपाय कुछ नहीं है, शांति ही सबसे बड़ी चीज़ है, शांति होनी चाहिए, हाँ बैठ के बात करनी चाहिए, हाँ अगर उनको साह है लड़ने की तो हम भी किसी से कम नहीं, बता सकते हैं उन्हें भी हम भी किस में कितने पानी में। हम लोगों को पाकिस्तानी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि वहाँ का टेररिज्म खत्म करे, हम लोग झगड़ा नहीं चाहते हैं, प्रेम से बैठ के सब काम करना चाहते हैं। भारत में टेररिज्म नहीं है, हम लोग के यहाँ बस हम लोग की जो मिलिट्री अपने देश की सुरक्षा के लिए काम करती है, टेररिज्म पाकिस्तान में, पाकिस्तान वाले अगर टेररिज्म को बंद कर दे तो भारत जो पाकिस्तान है भारत का अटूट हिस्सा है, अगर दोनों मिल जाए
तो कभी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान में जो मुसलमान रहते हैं हिंदुस्तान में भी रहते हैं, हिंदुस्तान में मुसलमानों को ऐसा नहीं किया जाता है, क्योंकि देखो हम लोग भाई भाई मिलकर रहते हैं, सभी मुसलमान कहा जाता है कि पाकिस्तान के पाकिस्तानों को सोचकर कहा जाता है कि सभी मुसलमान आतंकवादी, ऐसा नहीं, क्योंकि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे खान सर हो गए, बहुत सारे जैसे हैं कि बहादुर शाह जफर हो गए, अब्दुल हमीद, सर सैयद अहमद खान, तो भारत के मुसलमान है, फाउंडर हैं, लेकिन भारत के मुसलमानों पर भी उठाते हैं कि नहीं मुसलमान, हर मुसलमान आतंकवादी होता है, ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान में अगर आप मेरी बात सुनिए, अगर सारे मुसलमान अगर टेररिस्ट ही होते तो आप, ये भाई ने जैसे एग्जांपल दे दिया, सर सैयद अहमद खान हो गए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, ऐसे अगर देखिए, अगर रिलीजन पे अगर कोई टेररिस्ट अगर कोई जज करे तो क्या जो महात्मा गांधी जी को किसने मारा था, ना तो राम गोडसे ने, उसका देखो टेररिज्म का, टेररिस्ट जो होते हैं ना, रिलीजन का कोई, रिलीजन से कोई उसका मतलब रिलेशन नहीं होता है। अच्छा, आप ये देखिए, यूएई हो गया, सऊदी हो गया, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया, ये तो मुस्लिम कंट्री है, इनका कहीं में नाम नहीं आता, तो जहाँ पर, हाँ जहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत होगा, इतनी सऊदी अरब ले लीजिए, आप मलेशिया ले लीजिए, इतनी पीस कंट्रीज हैं, ठीक है। और मेरा जो एडवाइस है, मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए अगर लड़ाई झगड़ा ना हो तो दैट इज मच बेटर फॉर अस, क्योंकि इसका इफेक्ट हम जो फ्यूचर जनरेशन वाले बच्चे हैं उसका इफेक्ट हम लोगों पे पड़ सकता है। अच्छा, कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी गतिविधियां होती होंगी, तभी धुआं उठता है, तभी उसको कहा जाता है, जैसे आपने अच्छी कंट्रीज के नाम गुना दिए, उनको तो कोई कभी नहीं कहता। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कहीं ना कहीं पाकिस्तान का सपोर्ट अगर है, कहीं ना कहीं उसका जैक लगता है, तभी ये लोग इतना मतलब जो टेररिज्म है पाकिस्तान से ही उठ के आता है। तो मैं जो मेरा एडवाइस है, मेरा जो फीडबैक है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान का सपोर्ट है, डेट आई एक्सेप्ट इट। अच्छा ये बताइए कि फ्यूचर में क्या भारत और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे हो सकते हैं? देखिए बिल्कुल, मैं आशा करता हूँ इंशाल्लाह ताला, मैं तो यही चाहूँगा कि जैसे हमारा पहले रिलेशन था बिफोर 1947, मैं जो एक्सपेक्ट करता हूँ कि हम जितनी भी कंट्रीज हैं हम सब साथ में लेकर रहें, वो हमारे लिए भी बेहतर होगा और उनके लिए भी बेहतर होगा। अच्छा, आप खुद एक भारत के मुसलमान हैं, आप वहाँ के लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि उनको ये लगता है कि भारत के अंदर मुस्लिम आजाद नहीं है, हिंदुओं के गुलाम हैं, उनके ऊपर बड़ा अत्याचार होता है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग यहाँ पे जितनी भी राइट्स अदर रिलीजन को दिया जा रहा है, उतनी ही राइट हमें हम मुस्लिम कम्युनिटी को भी दिया जाता है, तो हम उनकी बातों पे नहीं जा रहे हैं। मैं खुद इंडिया का इंडियन सिटीजन हूँ, तो जो मेरा फीडबैक है, यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है या कोई पार्शियलिटी नहीं है रिलीजन से, जितनी राइट्स हिंदू मुस्लिम सिख और अदर रिलीजन को दिया जा रहा है, उतनी ही राइट हम मुस्लिम्स को भी दिया जाता है, तो इस बात से मैं एग्री नहीं हूँ। जितनी राइट्स अदर रिलीजन को मिलता है उतनी ही राइट्स हम लोग। अच्छा, आप जो पाकिस्तान के लोग देख रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना? देखिए पाकिस्तान से मेरा यही मैसेज है कि जो लोग भी वहाँ पे जो टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, उनसे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये बंद कर दिया जाए, वो उनके लिए बहुत ही बेहतर होगा और उनके जो फ्यूचर जनरेशन वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट पहुँचेगा। यही एडवाइस है। धन्यवाद। धन्य। क्या नाम है मैम? नवजोत त्यागी। आप? नवतेज त्यागी। क्या बात है। क्या आप कोर्स कर रहे हो, पढ़ाई क्या कर रहे हो? BBA LLB से। मैं भी BBA LLB, आई एम डूइंग BBA LLB सेकंड ईयर। अच्छा मैम, आप ये बताइए, जब पाकिस्तान का नाम सुनते हैं जो हमसे अलग हुआ था, हमारा पड़ोसी देश, तो आपके दिमाग में क्या थॉट आता? पाकिस्तान इज ऑल्सो आर नेशन लाइक आर ओन नेशन, एंड उसका नाम खुद सजेस्ट करता है कि वो एक मतलब पाक और एक नेशन, तो मेरे मन में तो हमेशा उसके लिए ऐसे ही आता है कि एक पीसफुल नेशन है, एक प्योर हार्ट है, और जैसे हमारी कंट्री में भी अलग अलग तरीके के लोग हैं, ऐसे पाकिस्तान भी एक ऐसा ही नेशन है जहाँ पे हमारे ही देश की तरह अलग अलग तरीके के लोग। आप क्या? मेरा भी यही मानना है कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, और साथ में पाकिस्तान हम ही लोगों की मतलब हमारे ही देश से डिवाइड होके बना है, हम ही जितनी उनकी गलती थी इसमें उतनी हमारी भी गलती है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि वहाँ के सारे ही लोग गलत हैं या यहाँ के सारे ही लोग सही हैं, तो हर जगह मिक्स टाइप के पीपल होते हैं, तो वहाँ पे भी अगर कुछ बैड पीपल हैं, सो सम देयर आर सम पीपल विच आर गुड एज वेल, दैट्स व्हाट आई थिंक। अच्छा ये बताइए कि भारत की पहचान है एक अलग पूरे दुनिया के अंदर, जो पाकिस्तान का कहीं पे नाम लिया जाता है तो उसको एक टेररिस्ट कंट्री कहा जाता है, भारत के अंदर भी जितनी टेररिज्म की घटनाएं होती हैं उसमें भी पाकिस्तान का नाम आता है, तो पूरी दुनिया के अंदर ऐसी छवि क्यों पाकिस्तान की बनी हुई?
मे बी बिकॉज जो मोस्ट जितने भी मैक्सिमम टेररिस्ट ग्रुप्स होते हैं वो बेसिकली इस्लाम को बिलोंग करते हैं, तो एक तरीके से इसलिए मतलब सारे वर्ल्ड में इस तरीके की इमेजिनेशन क्रिएट हो चुकी है कि जितनी भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं वो पाकिस्तान जो कि एक इस्लाम डोमिनेटिंग रीजन है वहाँ से ओरिजिनेट होती है। एक बात बताइए, जिससे कि 57 इस्लामिक कंट्री हैं, उसमें यूएई भी है, मलेशिया भी, इतनी डेवलप कंट्री हैं, इतनी अच्छी अच्छी हैं, उनको कोई नहीं कहता, सिर्फ पाकिस्तान को क्यों कहता है? जब होगा तभी तो कहा गया होगा ना। हाँ, तो मे बी मैक्सिमम वहीं से ओरिजिनेट होती हूँ और इसके लिए पाकिस्तान को काम भी करना चाहिए। दिस इज व्हाट आप क्या कहें? मैं ये कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान मतलब उनकी कंट्री में उनकी डोमेस्टिक भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठ चुके हैं जहाँ पे वो अपनी कंट्री में उनके कंट्री में खुद में इतना डोमेस्टिक वायलेंस है, मे बी लोग इंडिया के इसलिए ऐसा सोचते हैं, बट हम कम्प्लीटली ये नहीं कह सकते हैं कि जितने भी इंडिया पे ये टेररिज्म या जितने भी अटैक्स होते हैं वो कम्प्लीटली पाकिस्तान की तरफ से होते हैं। बहुत सारी और भी ऐसी नेशन या कंट्रीज हैं, मे बी उनकी तरफ से भी होते हैं, लेकिन यहाँ मैक्सिमम पीपल की भी ये थिंकिंग, इट्स द ओपिनियन ऑफ द पीपल ऑफ वी इंडियंस दैट मैक्सिमम अटैक्स टेररिज्म इज बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। नहीं, हमारे इंडियंस तो हम लोग दुश्मन है, हम लोग तो सोचेंगे ही, है ना, लेकिन पूरा वर्ल्ड अगर सोचता है तो कहीं ना कहीं गलत हो रहा होगा, तभी तो सोचता है। अच्छा, आप एक चीज़ और बताइए कि भारत और पाकिस्तान की इतनी बार लड़ाइयाँ हुई, किस चीज़ को लेके हुई, पता आपको? एक बार तो वो एक वॉर था, केस राइट, हाँ, कारगिल वॉर, जो एक मतलब जैसे कि हमारे इंडिया में भी जम्मू एंड कश्मीर रीजन को ऑक्यूपाई करने को लेकर ज़्यादातर वॉर्स होते रहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान हमारी नेबरिंग कंट्री है, तो बहुत सारा रीजन है ऐसा जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का जो पाकिस्तान सोचता है उसके टेरिटरी के अंडर आती है, बट इंडिया का मानना है वो उसके टेरिटरी के अंडर, तो ज़्यादातर एरिया को ऑक्यूपाई करने को लेकर ज़्यादातर ये सारे वॉर्स होते रहते हैं हम दोनों के आर्मीज़ के भी। क्या कहें? मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि मोस्टली जो दूसरे वर्ल्ड है, आप पूछ रहे हैं कि हम इंडियंस वी आर बिकॉज वी इंडियन पाकिस्तान एनिमीज, दैट इज वाई वी थिंक लाइक दैट, बट अदर नेशंस ऑल्सो थिंक लाइक दैट बिकॉज मैक्सिमम व्हाट आई सेड इज इन देयर ओन डोमेस्टिक नेशन, देयर स्टेट, दे देमसेल्व्स हैव सो मेनी काइंड्स ऑफ वॉर, लाइक वी हैव इन द रिसेंट न्यूज ओनली विद द प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, देयर वॉज सम केस ऑफ असैसिनेशन और समथिंग लाइक दैट, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, बट दैट थिंग happened on their own politicians, they are doing that thing, like we respect our prime minister Modi, we have a huge respect for him, so they should also do like this, they should also follow that policy also, and they should also, like we Indians, we respect their nation as well, I guess there are some Pakistanis who respect our nation as well, it is not hindi mein boliye idhar se hindi mein zyada samjhenge na। मेरा मानना है कि कम्प्लीटली भारतीयों की जैसे ये सोच, बहुत सारे भारतीयों की भी ये सोच है कि पाकिस्तान भी ऐसा देश है जो हमारे बारे में गलत सोचता है, पर मेरा मानना ये है कि पाकिस्तानियों में भी बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी हैं जो केवल हमारे बारे में गलत ही नहीं सोचते हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो हमारे बारे में अच्छा भी सोचते होंगे, हमारे बारे में यही सोचते होंगे ये हमारा पड़ोसी देश है, हम भी वी हैव ऑल्सो ओरिजिनेटेड फ्रॉम देम ओनली। अच्छा, आप एक चीज बताइए, 75 साल से दुश्मनी चल रही भारत और पाकिस्तान की, क्या लगता है खत्म होनी चाहिए या ऐसे ही युद्ध होने चाहिए? दुश्मनी तो हमेशा से खत्म ही करी जानी चाहिए, बिकॉज हम एक तरीके से अलग अलग मतलब देश की तरह नहीं, एक साथ एक विश्व है पूरा, और जहाँ तक मुझे पढ़ाया गया है कि हमारे पास जय जगत की संभावना होनी चाहिए, इसलिए हम सब राज्यों को, हम सब देशों को एक साथ मिलकर इस पूरे विश्व की प्रगति के लिए काम करना चाहिए। आप जैसे कि हम अपने आप को भारतीय कहते हैं, हमें केवल मतलब कि हम ऐसे, हमें जितना गर्व है इस देश का नागरिक हो गया है, वैसे ही गर्व होना चाहिए इस विश्व का नागरिक हो गया, हमें वासुदेव कुटुंबकम को और आगे बढ़ाना चाहिए, जैसे कि इसने कहा जय जगत को और आगे बढ़ाना चाहिए, हमें पर्सनली ये सोचे बगैर कि हम भारतीय नागरिक हैं, हमें ये भी सोचना चाहिए हम इस पूरे विश्व के नागरिक हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल हमारे देश तक ही सीमित नहीं है, पूरे विश्व तक सीमित है, इसका पाकिस्तान भी एक पार्ट है, तो यानी कि वो हमारा ही विश्व है, जितने उसके लोग उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हम लोग भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल। क्या कहेंगे सर पाकिस्तान के नाम जब सुन? सर देखिए, मेन हमारा हिंदुस्तान, हम लोगों ने कभी किसी से लड़ाई नहीं चाहिए, हमने उनको अपना देश दे दिया है, हमने उनको दे दिया कि भैया आप जाइए अपना एक मुल्क बनाइए, वहाँ रहिए शांति से, हम लोगों कोई मतलब नहीं है आपसे। मगर देखिए, अगर आप हमारे दुश्मन में टेररिस्ट भेजेंगे, उनका तो ये मतलब दिमाग, सर उनका दिमाग क्लियर है, हम हिंदुस्तान से मतलब कन्वेंशनल वॉर में जीत नहीं सकते, तो वो देखिए कीड़े मकोड़े भेजते हैं, आते हैं बॉर्डर के पास, गोली से मार दिए जाते हैं, उन लोगों के पास इतनी दम तक नहीं है कि वो बॉर्डर से अपने मरे हुए सिटीजन ले जा सकें, उन लोगों को हिंदुस्तान चलिए कृपा देता है, आइए आप अपने मरे हुए कीड़े मकोड़े ले जाइए, देखिए हम लोग उनको इतना दया देते हैं,
और बात दुश्मनी की तो हम दोनों ने कभी नहीं चाहे, हमारे कोई भी प्रधानमंत्री कोई भी पार्टी का हो, कांग्रेस बीजेपी अकाली दल जिस पार्टी का हो, हमने कभी दुश्मनी चाही नहीं है। हमारा तो वसुधे कुटुंबकम का नारा है, हमने किसी दुश्मनी चाही नहीं, हम लोग तो विश्व प्रेम की बात करते हैं। जय हिंद। अच्छा एक चीज़ बताइए, जैसे आप लोग बोले कि हम लोग बहुत अच्छे हैं, वैसे ही वहाँ के लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान के लोग बहुत अच्छे हैं, भारत वाले बहुत खराब है, इसलिए दोस्ती नहीं करना चाहेंगे? सर ऐसी बात नहीं है, हम लोग को हमारे उनके लोगों से दुश्मनी नहीं है, हमारी उनकी गवर्नमेंट से दुश्मनी है, गवर्नमेंट दुश्मनी भी नहीं है। अगर आप देखिए प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं, पाकिस्तान का पता नहीं कि वहाँ पर रूल कौन कर रहा है, वहाँ आर्मी रूल कर रही है, अब बताइए आर्मी रूल कर रही है या वहाँ का इमरान खान या वो भी बाजवा जो आया उनका भाई जो भी है, कौन रूल कर रहा है आपको पता नहीं? शहबाज शरीफ पहले उनके जो भाई थे वो थे, हैं तो अब हमको पता ही नहीं कि वहाँ बात किसने करनी है। प्रधानमंत्री जी मोदी जी या कोई पार्टी का बोलता है कि हमको पता है, पता ही नहीं वहाँ पर किससे बात करें, आर्मी से बात करें। अगर आर्मी से देखिए पहले बात करी थी तो उरी हो गया, बालाकोट हो गया, हाँ वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बात करी तो कारगिल हो गया, तो किससे बात करें बताइए? बात करने वाला कोई व्यक्ति तो होना चाहिए। आर्मी से बात जाए, आर्मी बात भैया वो तो पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन बोले हम क्या कर सकते हैं, भैया वहाँ पर कोई है नहीं बात करने वाला। जब बात करें लोकतंत्र ही नहीं है वहाँ पे आर्मी राज, लोकतंत्र वहाँ पर है, दिखावी लोकतंत्र है, कम से कम चाइना का एग्जांपल लीजिए, कम से कम ऑफिशियली कम्युनिस्ट पार्टी तो है, पाकिस्तान का तो बोलो लोकतंत्र है, मगर वहाँ पर रूल कौन करता है? आर्मी रूल करती है और वो बैठे रहते हैं वहाँ पर वो सब मौलाना टाइप के जो वो होते हैं उनको ये तो नहीं कहना चाहिए, मगर वहाँ पर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बैठे रहते हैं वो सब रूल करते हैं। बताइए क्या पाकिस्तान टेररिस्ट कंट्री है आपको लगता है? ये पाकिस्तान टेररिस्ट कंट्री उसके लोगों से बनती है, अगर लोग देखा जाए तो वो लोग एक तरह से रेडिकलाइज हो गए। क्यों रेडिकलाइज हो गए? क्योंकि वहाँ पर एजुकेशन नहीं है, हेल्थ केयर नहीं है, उन लोगों की जो मेन एजुकेशन होती है, अगर हमारे यहाँ देखिए टेक्निकल एजुकेशन बना रखा है, वहाँ पर ये सब नहीं है, वहाँ पर लोग एजुकेशन की बात नहीं करते हैं। जब तक आप एजुकेशन की बात नहीं करेंगे तब तक वहाँ पर ग्रोथ कैसे होगी, पहले ये बताइए। भारत और पाकिस्तान की इतनी लड़ाइयाँ हुई किस लिए हुई आपको क्या लगता है? देखिए मेन है हेट्रेड, उन लोगों का जो कंट्री है वो हेट्रेड पे हुआ है, कि हमारा एक कम्युनिटी है एक दूसरी कम्युनिटी से नहीं रह सकती, तभी उनको अलग देश दे दिया गया है। देखिए मेन होती है हेट्रेड, अगर उनके पास हेट्रेड कम हो जाए तो अगर देखिए उनकी जनता जैसे आज जनता उनकी पूरी विद्रोह कर रखी है, वैसे ये पहले करे होते तो अभी देखिए विद्रोह हो रखा है, तो अभी इमरान खान बोल रहे हैं कि यहाँ पर आर्मी का रूल नहीं हो सकता है, ठीक है, और वैसे ही पहले करे होते तो हमसे लड़ाइयाँ तो नहीं होती है। सब मेन कारण उनकी हेट्रेड ही है, जब तक वो हेट्रेड कम नहीं होगी तब तक वो लड़ाइयाँ रुकेंगी नहीं। अच्छा आप ये बताइए जो दर्शक हैं, मान लीजिए कोई पाकिस्तान से लोग कुछ वीडियो देख रहे हो तो आप उनको क्या कहना चाहें? देखिए भैया पढ़ाई में ध्यान दीजिए, मेन मुद्दा है पढ़ाई, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आपके अकल नहीं आएगी, जब तक आपके अकल नहीं आएगी तब तक सोच नहीं सकेंगे अच्छा कौन है गलत कौन है। हिंदुस्तान आपकी भलाइयाँ चाहता है, हम लोग ये नहीं चाहते आपसे लड़ना चाहते, हम आपको मारना नहीं चाहते। आप पढ़िए, अच्छा करिए, अपने मुल्क का नाम रोशन करिए, यही हमारा हिंदुस्तान से आपकी प्रार्थना। क्या नाम है? मेरा नाम आदित्य है। क्या आप एजुकेशन मतलब क्या पढ़ रहे हैं? कर रहा हूँ बीटेक आईटी, आईटी से यहाँ पढ़ रहा हूँ बीबीडी आईटीएम में। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो अंत में बस यही कहना चाहूंगी कि पाकिस्तान और भारत दोनों को एक साथ मिलकर एकजुट होकर, क्योंकि पाकिस्तान भी भारत से ही जन्मा है जैसे हम जानते हैं, हमारी हिस्ट्री भी काफ़ी हद तक सेम है, इसलिए मैं भी चाहती हूं कि भारत और पाकिस्तान एक साथ मिलकर अपने बीच जितनी भी उसके बीच में तनाव की स्थिति है उसे दूर करे और आगे बढ़े। क्या कहें? मैं तो यही कहना चाहूँगी जैसे कि अभी जो भैया थे उन्होंने भी कहा, एजुकेशन सेक्टर पे पाकिस्तानियों को और इंडियंस, हम इंडियंस को भी काफ़ी ज़्यादा फोकस करना चाहिए, हमारे पॉलिटिशियंस को रादर देन हेट्रेड पे फोकस करके, और दूसरे पॉलिटिशियंस को भी हम लोग को काम करना चाहिए कि हम लव और अफेक्शन एक दूसरे की तरफ ज़्यादा बढ़ाएँ, ताकि जो बीच की हेट्रेड है वो ख़त्म हो, क्योंकि जो हमारी हेट्रेड है वो बस एक दुश्मनी को बढ़ा रही है, और दुश्मनी से अंतिम में लास्ट में केवल वॉर होती है और बहुत सारी गलत गलत चीज़ें होती हैं जिसका इफेक्ट हम मतलब मासूम नागरिक मासूम जनता को झेलना पड़ता है। तो चाहे पाकिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान हो, हमें यही सोचना चाहिए हम ना पाकिस्तानी है ना हिंदुस्तानी, हम विश्व के एक ही नागरिक हैं, हम सभी भाई बहन हैं, हम सभी धरती माता के बच्चे हैं, तो हमें भारत माता और पाकिस्तान वो जो उनका मानना है, हमें उन सबका एक दूसरे के माता पिताओं का सम्मान करते हुए हमें यह मानना चाहिए कि हम सब धरती माँ की संतान है और हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। और अंत में बस मैं यही कहना चाहूँगी कि हम हिंदुस्तानियों के मन में उनके प्रति कोई भी ऐसी संभावना नहीं, उनके मन में भी ऐसी कोई संभावना ना। थैंक यू। क्या नाम है सर? मेरा नाम दिव्यांश उपाध्याय है और मैं बीबीडी से बीसीए कर रहा हूँ। आप सर? मेरा नाम सूरत त्रिपाठी है। आप बीसीए कर रहे हैं? आगे चल के इंजीनियर बनना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर। अच्छा सर एक चीज़ बताइए कि हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसका जब आप नाम सुनते हैं तो आपके अंदर क्या थॉट्स आते हैं, क्या सोचते हैं उसके बारे? देखिए सर, पाकिस्तान के छोटे छोटे बच्चे हम लोग के बारे में बहुत ही बुरा सोचते हैं, बट क्या है कि हम लोग भारत देश के हैं, तो भारत देश के जितने भी नागरिक हैं वो सभी देश के लिए अच्छा ही सोचते हैं, कभी भी
हम लोग के देश के कभी हम लोग के देश के प्रति हम लोग अपने जैसे हम लोग देश में अपने हैं तो हम लोग के जितने छोटे छोटे बच्चे हैं सबका भला सोचते हैं, पर जो पाकिस्तान है वहाँ के छोटे छोटे बच्चे देखिए आजकल के 2 से 3 साल के बच्चे आजकल बहुत ही बुरा सोचते हैं कि भारत वो है ये है, मतलब भारत हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है। आप क्या सोचते हैं भारत के बारे में, पाकिस्तान के बारे? देखिए हम तो देखिए सभी देशों का समान ही सोचते हैं हम लोग, मतलब हम जैसे अपना देश है वैसे हम दूसरे को देश को भी समझते हैं। क्या सोचते हैं सर? बट हम तो ये भी सोचते हैं कि देखो यह देखो कहते हैं कि अगर वो हमारे बारे में अगर बुरा सोचते हैं तो ये है पहली बात पहले समझाएंगे, उसके बाद अगर नहीं समझ में आएंगे तो उसका रिएक्ट तो करेंगे ही हम दोबारा, यही हमारा बात है। अच्छा, सारे लोग तो बुरा नहीं सोचते होंगे, कुछ अच्छे लोग होंगे, पढ़े लिखे लोग होंगे तो उनके लिए तो मान लो दे बेसिकली है कि उनके लिए तो अच्छे हम भी सोचेंगे, पहले तो उसको समझाएंगे पहली बात, उसके बाद हम मान लो उसका जवाब देंगे कि मान लो दे यदि हमारे वो गलत सोच रहे हैं तो पहली बात उनको हम समझाएंगे कि आप भी मान लो दे हम तुम्हारे मान लो कुछ ऐसा किए तो है नहीं कि तुम हमारे बारे में कुछ ऐसा सोच रहे हो, बट हम भी अगर दे अब गलत अगर हमारे साथ गलत करेंगे वो लोग तो हम भी गलत करेंगे उसके साथ। अच्छा आप एक बात बताइए, भारत और पाकिस्तान की इतनी लड़ाइयाँ हुई किस लिए लड़ाइयाँ हुई, पता है आपको कुछ? खासकर देखा जाए तो हिंदू मुस्लिम देखो भारत के अंदर बंटवारा जो हुआ था पाकिस्तान का हिंदू मुस्लिम के ऊपर हुआ था, लेकिन भारत के अंदर हिंदू भी रहते हैं मुस्लिम भी रहते हैं सिख ईसाई सब अच्छे से रहते हैं, फिर हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कैसे पाकिस्तान और इंडिया कैसे हिंदू मुस्लिम लड़ाई की? तो उनकी तो सोच ये बनी है कि हमारे क्योंकि जो मान लो पाकिस्तान है वो बाहुल क्षेत्र है मुस्लिम का कहते हैं, बाकी हिंदू रहते हैं मान लो 1-2% रहते होंगे जो मुझे इतना नहीं है पता, बट यही उनकी एक सोच बनी है कि हिंदू मुस्लिम की मान लो वो कैसा ना कैसे हिंदू को नीचा दिखाना चाहते हैं और हिंदू हो गए, बाकी भारतीयों का एक तरीका देखा जाए तो भारतीयों को ही भारत में जैसे भी हिंदू भी रहते हैं एक देखा जाए तो भारत एक ऐसा देश है जो संपूर्ण मान लो जितने भी मान लो जितने जात के हो गए जितने भी सभी लोग रहते हैं सभी धर्म के लोग रहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख सभी रहते हैं, बट पाकिस्तान वाले यही सोचते हैं कि कैसे भारतीयों को नीचा दिखाया जाए, बस नीचे दिखाते हैं वो लोग। अच्छा सर एक चीज़ बताइए कि भारत और पाकिस्तान की इतनी लड़ाइयाँ हो गई कोई रिजल्ट नहीं निकला, तो ये दुश्मनी खत्म होनी चाहिए, जो भी मसले हो या जो भी बातचीत हो बातचीत से सुलझ जानी चाहिए, क्या कहेंगे इस पर? देखिए मैं तो यही कहना चाहूँगा कि लड़ाई उड़ाई से कोई मतलब है नहीं, अगर आपस में लोग समझौता कर ले तो सबसे बड़ा महानता उसी काम में है। क्या कहेंगे? हम भी यही कहेंगे मारो दे आपस में अगर समझौता करते हैं तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, मारो दे लड़ाई से कोई फर्क नहीं, बाकी नुकसान ही होता उससे और कुछ नहीं बस। अच्छा सर जो पाकिस्तान के दर्शक हैं या मान लो वहाँ के प्रधानमंत्री आपका वीडियो देख रहे हैं तो उनको क्या आप जो है संदेश देना चाहेंगे? उनको हम बस यही संदेश देना चाहेंगे कि ताकि मान लो दे आपस में दोस्त बराबर मान लो दे एक ही साथ रहें जैसे एज ए फ्रेंड, जितने मान लो देश हमारे पाकिस्तान हुआ या हिंदुस्तान हुआ एज ए फ्रेंड रहें आपस में बढ़िया मेलजोल हो, बस बस इतना कहना चाहेंगे बस। क्या कहेंगे सर? आप भारत और पाकिस्तान की जो लड़ाई जैसे इन्होंने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान एक होकर के चले और अब वापस एक भाईचारे से रहे, ये सिर्फ हम चाह सकते हैं लेकिन वो नहीं कर सकते, वो चीज़ वो लोग नहीं कर सकते, वो अपने जैसे बड़े बुजुर्ग कह गए ना कि जैसे कहते हैं ना कि सुधर नहीं सकते, जो एक बार बिगड़ जाते सुधर नहीं सकते तो वो कभी सुधर नहीं पाएंगे। अच्छा वो लोग कितना भी चाह लें कि हम लोग सही से रहें अच्छे से रहें लेकिन वो उनकी जो ओपिनियन है उनका वही रहेगा, इंटेंशन वही रहेगा कि इंडिया कहीं ना कहीं हार्म पहुँचाना। एक चीज़ बताइए वहाँ पर लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान के लोग बहुत पीसफुल हैं और वो भारत से समझौता करना चाहते हैं दुश्मनी ख़त्म करना चाहते हैं भारत नहीं करना चाहता है, इस पर क्या कहें? देखिए इसके वहाँ के जो लोग हैं उनके लिए तो हम कुछ नहीं कहेंगे, वहाँ के लोगों से मेरी एक दो से बात हुई है तो काफ़ी अच्छे से बात करते हैं पोलाइटली अच्छे से एकदम भाईचारे से बात करते हैं, लेकिन वहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं और जो भी लोग हैं उनका इंटेंशन नहीं है कि इंडिया और पाकिस्तान एक होकर सही तरीके से रहे, वो लोग का ही इंटेंशन रहता है कि इंडिया कहीं ना कहीं हार्म ही करें। अच्छा क्या पाकिस्तान जो है उसकी जो पूरे विश्व में पहचान एक है कि आतंकवादी देश है, क्या वो सही है, क्या लगता है? अब वो चाइना से कनेक्टेड है, चाइना दूसरों को हार्म पहुंचाता है, खुद को पाकिस्तान उसको सपोर्ट करता है तो ऑब्वियसली बात है ना कि गेहूं के साथ घुन पिसा जाता है तो वो उसी में जुड़ा जाएगा ना। भारत के अंदर जितनी आतंकवादी घटनाएं होती क्या उसमें पाकिस्तान का हाथ होता है? कॉमन सी चीज़ है भाई, आप चाइना से रिलेटेड हो तो चाइना इंडिया में अटैक्स हो रहा है तो दुश्मन कौन है हमारे यहाँ का, तो वही है ना, तो वही तो करवा रहे, चाहे वो अपना ताज होटल वाला अटैक हो या कोई भी अटैक हो सब तो उन्हीं से उन्हीं के हाथ आता है ना उसमें। भारत पाकिस्तान की 4 लड़ाइयाँ हुई लगभग, ठीक है मतलब 4 ही हुई हैं, तो क्या लगता है कि आपको फ्यूचर में लड़ाई हो सकती है और उन लड़ाई का कारण क्या रहा है आज तक?
अब इसके लिए मेन रीजन तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ अगर जो वहाँ के जो पॉलिटिशियंस है वही इसके कश्मीर के लिए ही सारी लड़ाई है। मेन तो कश्मीर है, कश्मीर वो मांगते हैं, झंडा सीधा लहरा नहीं पाते लेकिन मांगते कश्मीर है, कश्मीर चाहिए। क्रिकेट वाली बात ले आया, क्रिकेट वाली बात है, लेकिन कहते हैं ना कि कश्मीर आपको चाहिए, आप दिखाओ ना कि कैसे चाहिए, क्या है आप, हाँ। आपके पास है तो हमारा है ना वो कश्मीर, तो कैसे आप मांग रहे हो। पीओके है उनके पास में, वो भी लेके रहेंगे क्या? जय श्री राम, इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। आप लास्ट में एक मैसेज दे दीजिए, आप जो लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं पाकिस्तान के, उनके लिए क्या कहना चाहें? उनके लिए यही करेंगे, कहेंगे कि अगर यूनिटी से रहना चाहते हैं, वो चाहते हैं, उनका इंटेंशन सही रहा तो हमारा भी इंटेंशन सही रहेगा। बाकी सुबह से देखते आ रहे इंडिया वैसे ही, वो तो कहते हैं कि हमारा इंटेंशन बहुत सही है, भारत वालों गड़बड़। कहने से कुछ नहीं होता ना, करने से होता है। आप करते कुछ और हो, कहते कुछ और हो, तो उससे तो नहीं होगा ना। धन्यवाद सर, थैंक यू। दोस्तों आप लोगों ने यार आपने देख लिया कि यार पाकिस्तान के बारे में भारतीयों की कितनी बढ़िया सोच है, कितनी अच्छे विचार है उनके यार, क्या जबरदस्त विचार है। और हमारे पाकिस्तानी से बच्चा भी हो ना तो उसकी दुनियादारी में इतना नहीं पता हो, लेकिन भारत का नाम लिया जाए तो उनके खून खोल जाते हैं कि भारत हमारा दुश्मन है, भारत ऐसा है, भारत ऐसा है, भारत वैसा है। भारत को तुम क्या समझते हो यार? भारत के मुसलमान कहते हैं कि हमारे साथ जुल्म नहीं हो रहा, भारत के नागरिक कहते हैं कि हमारे साथ जुल्म नहीं हो रहा, तो तुम क्यों ऐसी सोच रखते हो? और जैसे कि भाई ने बोला कि यार हमारी सोच अच्छी सोच है, पाकिस्तानियों के लिए अच्छे विचार हैं। अभी पाकिस्तान की एक वीडियो में ले आऊं, अगर आप कहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना किसी किसी को ये वीडियो अच्छी लगी, और इसकी दूसरा पार्ट जो है पाकिस्तानियों की क्या राय है वो भी मैं आपको जो है ना लेके आ सकता हूँ, कॉमेंट सेक्शन में बनाना अगर बताना। तो इनके विचार बहुत बढ़िया है, बहुत ज्यादा बढ़िया। इनके जो स्टूडेंट है वो क्या सोचते हैं कि यार हमने इंजीनियर बनना है, हमने जो है ना डॉक्टर बनना है, हमने जो है ना कुछ ना पायलट बनना है, मतलब उनकी सोच अपने तक होती है कि हमने क्या बनना है भाई। उनकी ये सोच नहीं होती कि यहाँ पे एक बच्चे से सवाल किया गया पाकिस्तान में कि आपको जो है ना क्या बनना है, वो कहते हैं कि मैंने जी फौजी बनना है। फौजी बन के क्या करना है जी? भारत किससे जंग करनी है यार, ये घटिया सोच है। और दूसरा ये कि भारतीय अवाम है, भारतीय मुसलमान है, वो ये नहीं सोचते, वो उनकी सोच बहुत बढ़िया है। उनकी सोच अब देखी जाए, उनकी जो है ना राय देखी जाए, उनके आज तक जो है ना उनकी सोच बहुत बढ़िया है। वो कहते हैं कि यार मीडिया उनका जो है पाकिस्तानी मीडिया, हमारे कई मुसलमान कई जो है ना पाकिस्तानी ऐसे कहते हैं कि भारत ऐसा है, भारत हमारा दुश्मन है, भारत ऐसा है, लेकिन जो है ना हकीकत में भारत बहुत पोलाइटली है, बहुत अच्छा है, आपने देख लिया है। और ये लोग कहते हैं कि एजुकेशन के बारे में सोचना चाहिए, अपने एक जैसा होना चाहिए। जैसे इनसे पूछा गया कि यार आगे जो आने वाला वक्त है उसमें पाकिस्तान और इंडिया एक हो सकता है, वो कहते हैं हाँ क्यों नहीं हो सकता, दोस्ती होनी चाहिए। लेकिन अगर यही सवाल पाकिस्तानियों से पूछा जाता है तो वो कहते हैं नहीं, पाकिस्तान भारत हमारा दुश्मन है, तो ये घटिया सोच है इनकी, बचपन से घटिया सोच है यार। इनकी सोच पाकिस्तानियों की कभी नहीं बदल सकती। तो आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।